हेलो, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत नमस्कार। अगर आपने भी यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और आप एक्स्ट्रा राउंड की काउंसलिंग के लिए वेट कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है। एक्स्ट्रा राउंड की काउंसलिंग के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये है कि कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ रूल्स में, कुछ डेट्स में चेंज हुए हैं, जिनसे हम एक एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आपका एक्स्ट्रा राउंड कब होगा। इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आपका एक्स्ट्रा राउंड कब होने वाला है, कितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिलेगा, और जो आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस है कब से शुरू होगी, और आपके अगर नॉट क्वालिफाइड थे या फिर मार्क्स लो थे उस केस में आपको क्या कोई कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं मिल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपडेट जानना कि भाई क्या अपडेट ऐसी आई है जो तहलका मचाती है। देखो, इससे पहले आपने कई चैनल्स पे देखा होगा और इवन हमारे चैनल पर भी देखा होगा कि हमने बताया था कि INC ने अपनी लास्ट एडमिशन डेट जो है 30 सितंबर बोली थी कि भैया हमारा बीएससी नर्सिंग में अगर आपको एडमिशन कराना है तो 30 सितंबर के आसपास, 30 आसपास नहीं, 30 सितंबर लास्ट डेट होगी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने की। लेकिन ABBMU ने सितंबर का 21 तारीख बीत गया, और 22 है, कितनी है, 22 तारीख है, और उसके बाद 23 तारीख है आज, सॉरी 22 भी बीत गया, 21 भी बीत गया, 23, 7 दिन बचे थे, ठीक है। और कोई भी नोटिस एक्स्ट्रा राउंड के लिए जारी नहीं किया था और सीट्स बहुत ज़्यादा, लगभग 1200-1300 के आसपास खाली हैं। तो इस केस में देखने को ये मिला, शायद क्या, शायद ABBMU को ऑलरेडी पता था कि जो INC है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल बोर्ड है, वो क्या करेगा, वो अपनी लास्ट डेट एडमिशन की बढ़ाएगा, क्या करेगा, बढ़ाएगा। और यही हुआ, आप पढ़ सकते हैं, इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर नोटिफिकेशन नंबर 3 ऑफ 2024 एंड 4 ऑफ 2024, इंडियन नर्सिंग काउंसिल हैज एक्सटेंडेड द लास्ट डेट एडमिशन टू द नर्सिंग प्रोग्राम इज इम्प्लाइज ANM, ZNM, BSc नर्सिंग, PBSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक डिप्लोमा, NPCC फ्रॉम 30 सितंबर टू 31 अक्टूबर। यानी कि आपकी जो मैं डेट बता रहा हूँ कि पहले 30 सितंबर हुआ करती थी, हुई थी लास्ट डेट की, ठीक है, उसको बढ़ा करके इन्होंने क्या कर दिया है, 31 अक्टूबर कर दिया है, 31 अक्टूबर कर दिया गया है, क्या कर दिया गया, 31 अक्टूबर कर दिया है, यानी कि लास्ट डेट एडमिशन की बढ़ा दी गई। अब आप सोच रहे होंगे सर बढ़ा दी गई, इससे हमारा फायदा क्या है। देखो बच्चों, आपका फायदा यही है कि अगर आपकी लास्ट डेट बढ़ा दी गई, क्या लास्ट डेट बढ़ा दी है, तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो इस राउंड है बहुत ज्यादा जल्दी ही होने वाला है, 1 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर, ठीक है। लेकिन अब हम बात करें स्टे राउंड कब से होगा, तो देखो बच्चों, ABBMU से काफी बच्चों ने बात किया, कॉल किया, बहुत सारे बच्चों का कॉल लग रहा है। एक्चुअली में होगा क्या है, जो ब्राउचर में नंबर दिया है उन्होंने ना, वो वाला नंबर लगता है, बहुत सारे बच्चों ने बात किया वहां से यूनिवर्सिटी में, तो उनके जरिए ही मुझे पता चला। बच्चे बता रहे हैं सर हमने बात किया वहां पे, वो बोल रहे हैं कि आपका जो स्टे राउंड का नोटिफिकेशन है ना, तो सितंबर में ही आएगा, सितंबर से बाहर नहीं जाएगा, क्या होगा, सितंबर में ही आएगा नोटिफिकेशन। कब तक आएगा इसकी बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन ना 26 सितंबर के आसपास बताया जा रहा है कि 26 सितंबर के आसपास आपका नोटिफिकेशन 26 से 29 सितंबर के बीच में आ जाएगा, और हो सकता है इससे पहले भी ऐसा है। और इससे पहले आ जाता है तो क्या करना है, हमारे नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले नर्सिंग गुरुकुल पे मैसेज डाल आपको बता दूंगा भाई आ गई है, कितने नंबर कट ऑफ जाएगी, कौन कौन से कॉलेज फिल करो, क्योंकि कॉलेज फिलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस बार शायद चांसेस हैं ऑफलाइन काउंसलिंग होगी जिस प्रकार से पिछली साल हुई थी। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग हुई तो आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है कि किस जगह पे जाना है, ऑफलाइन काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कैसे प्रोसेस होगी, सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों को हम ही बताने वाले हैं। देखो, हमने बात कर लिया कब होगा, भैया बता दिया कि आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 25 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर के आसपास, ठीक। और इसकी जो इस राउंड की काउंसलिंग है ना, वो अक्टूबर में प्रॉपरली 1st वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होगी। कब से होगी, 1st वीक ऑफ अक्टूबर में होगी। काउंसलिंग की अगर बात करें, जो काउंसलिंग है वो 1st वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होगी, वाइट वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होगी। कब होगी, 1st वीक ऑफ अक्टूबर में स्टार्ट होगी। वहीं पर नॉट क्वालिफाइड एंड लो मार्क्स, देखो ये बहुत बड़ा इशू है बच्चों का कि नॉट क्वालिफाइड वालों को क्या एडमिशन लेने के लिए चांसेस मिलेंगे क्वालिफाइड, ठीक है, लो मार्क्स। देखो मैं सीधी सीधी सी बात बताता हूँ, अगर आप क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और आपके लो मार्क्स हैं, क्वालिफाइड क्वालिफाइड हैं और आपके लो मार्क्स हैं, तो हाँ आपके पास 90% चांसेस हैं कि आपको जो सिलेक्शन है आपका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आप नॉट क्वालिफाइड हो तो लेस चांसेस हैं, बट होने की संभावना है,
चांसेस हैं, कितने चांसेस हैं, ये मान के चलो कि 70% चांसेस हैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसमें भी याद रखना है, जो नॉट क्वालिफाइड बच्चे हैं उनमें अगर आपका क्या एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, देखो उन्होंने ब्राउचर में जो लिख के रखा है रख के आएंगे वो अलग बात है, जो मैं बता रहा हूँ अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अपनी वो देखना स्कोर कार्ड देखना, उस स्कोर कार्ड में अगर परसेंटाइल 45 लिखा है, ठीक है, परसेंटेज नहीं परसेंटाइल, ठीक है, क्या परसेंटाइल, तो फिर आपको एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत अच्छे खासे होंगे। और वहीं पर ओबीसी एससी एसटी इन कैटेगरीज की बात कर लें, अगर यहाँ पर आपका 40% है, ठीक है, या उसके अबव है, तो आपको एडमिशन मिलने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, तो ही आप काउंसलिंग कराना। अगर इससे कम है आपके तो मत कराना, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, बस पैसे ही आपके बर्बाद होते जाएंगे, जैसे मॉपअप में हुआ, राउंड टू में हुआ, राउंड वन में हुआ, ठीक है। और मुझे लगता है मैंने सारी डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। इनकेस अगर आपको लगता है कि नहीं आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।